खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। पृथ्वी दिवस के अवसर पर प्रमंडलीय आयुक्त के सेंथिल कुमार ने वृक्षारोपण कर लोगों को पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। बिहारी पृथ्वी दिवस के अवसर पर सहरसा में कोशी प्रमंडल के प्रमंडलीय आयुक्त के सेंथिल कुमार ने संजय गांधी उद्यान में पौधारोपण कर लोगों को पर्यावरण संरक्षण देने के लिए संदेश दिए। वहीं इस मौके पर कोसी क्षेत्र के DIG सुरेश प्रसाद चौधरी, जिलाधिकारी कौशल कुमार, उप विकास आयुक्त राजेश कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार, सदर मंडलीय पुलिस अधिकारी प्रभाकर तिवारी सहित अन्य अधिकारियों ने भी पौधारोपण किया। मौके पर मौजूद प्रमंडलीय आयुक्त के सेंथिल कुमार ने कहा कि कोशी प्रमंडल के तीनों जिले सहरसा, मधेपुरा और सुपौल में करीब 7 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है, जो आज तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने लोगों से भी ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करने को कहा है, ताकि पर्यावरण स्वच्छ और सुंदर रहे। सहरसा से अमन कुमार की रिपोर्ट। और क्या क्या संदेश देना चाहेंगे आप जिले वासियों को और सही वासियों को? यहाँ जी पृथ्वी दिवस के अवसर पर बिहार सरकार के द्वारा पूरे बिहार में 2,51,00,000 पौधा का वृक्षारोपण के कार्यक्रम फेज मैनर में चल रहा है। आज वो अंतिम दिन है। वृक्षारोपण में प्रदूषण हो रहा है, ये सब है। एक तरफ से है जो कोरोना का भी संकट भी है, ये सब है प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। इसलिए प्रकृति को बचाएंगे तभी हम है बचे रहेंगे, और बाकी है जो भी है जीव जंतु है सभी है बचने का है ये उपाय होगा। इसलिए